मित्रों, हम आपको बता दें कि एक सुपर हिट आइडिया है हमारे पास इस प्रदेश की उन्नति। अरे फ्री में चीजें लेना छोड़ दीजिए, मेहनत की कमाई क्या होती है उसका आनंद लीजिए। इस युग में कुछ मुफ्त नहीं होता, आपके लिए जो मुफ्त होता है वो किसी और की जेब से निकलता है, याद रहे। फिलहाल चलिए आपको कृषा का एक सुपर हिट आइडिया दिखाएं। कुछ नहीं पूछेंगे आपसे जयमा, क्योंकि उन्होंने खुद हमें यहाँ से जाने के लिए कहा है। और अगर वो नहीं चाहते हम उनकी जिंदगी में रहें तो ठीक है, हम उनकी जिंदगी में नहीं रहेंगे। और हमें भी लगता है कि हमारा यहाँ से चले जाना ही ठीक है। कृष्णा बताइए ना, देव भाई कैसे रहेंगे आपके बिना। कृषा को ऐसा वैसा बिल्कुल न समझना, ये कृषा टेढ़े को सीधा करना जानती है, और जब टेढ़ा सीधा ना हो तो उसे तोड़कर फेंकना भी जानती है। अब इस महल में जो हो रहा है वो भला आप सबसे कहाँ छुपा है। कृषा कुछ भी करती है उसकी भनक सबको पड़ जाती है, फिर क्या। इस बार कृषा ने थोड़ा सा हटकर सोचा है, वो अब महल जैसा अपना ससुराल छोड़ कर चली जाएगी ताकि देवराज को जेल से बाहर निकाल सके और दुश्मनों को भनक भी ना हो। वैसे आपको बता दें, ये जो सीन आप देख रहे हैं ना, ये पूरा ड्रामा है, और इसमें कृषा का साथ आरव, जयामा और रति भी दे रही हैं। प्लीज मत जाइए। घर वालों को दिखाने के लिए मैंने ये प्लान किया है कि मैं घर वालों के सबके सामने ये करूँगी कि आप देवराज सर ने खुद बोला है ना मुझे यहाँ से जाने के लिए, तो ठीक है अगर वो चाहते हैं मैं यहाँ से चली तो मैं चली जाऊँगी। लेकिन बैक ऑफ द माइंड मेरा प्लान चल रहा है कि मैं इस महल से बाहर जाऊँ ताकि घर वालों को पता ही ना चले कि मैं प्लान क्या कर रही हूँ आगे, और मैं बाहर जाके देवराज सर को ढूंढ पाऊँ। तो आरव, मैं और जयामा जो है, हम लोग तीनों इस प्लान में इन्वॉल्व है, और बाद में हमने रति को भी इन्वॉल्व कर दिया है। अब कृषा, आपको दुश्मनों को ढूंढने के लिए बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है। जरा ध्यान से और ठंडे दिमाग से सोचिए और देखिए, क्योंकि आपका दुश्मन यहीं पर है आसपास। हमारा इशारा दक्षराज की ओर है, क्योंकि अब तक जो भी कुछ हो रहा है ना, उसके पीछे दक्षराज का ही हाथ है। वैसे भी यहाँ पे दुश्मनों और दोस्तों में फर्क कर पाना बहुत मुश्किल है, इसलिए बेहतर होगा कि हम यहाँ से चले जाएं, तभी हम देवराज सर का पता लगा। आप अकेली करेंगी क्या? क्या रहकर भी क्या कर पा रहे हैं आप? सिर्फ वक्त बर्बाद कर रहे हैं, पता नहीं देवराज सर कहाँ है, किस हाल में। दक्षराज का तो मुझे पता ही नहीं था, क्या पता आगे जाके किस चीज़ में कौन इन्वॉल्व है, क्या इन्वॉल्व है। आप लोग तो पता ही है ये सब में देव दक्षराज इन्वॉल्व है, लेकिन अभी मेरा उसके अलावा सब पे ध्यान जा रहा है। आई विश मुझे पता होता तो अभी सारा पता चल जाता कि इस सब के पीछे दक्षराज है, लेकिन मुझे लग रहा है कि शायद घर वाले हैं, इसलिए मेरा पूरा ध्यान घर वालों पे है, दक्षराज पे तो है ही नहीं। अब कृषा घर छोड़ कर जा रही है तो उधर देवराज को देखिए जो जेल में है, बेचारा उदास तो नहीं, लेकिन हाँ शूटिंग करने में प्रोडक्शन वालों की मदद जरूर कर रहे हैं। अब ऐसे ही तो होता है, एक दूसरे का साथ देंगे तभी तो मामला फिट बैठता है, क्यों देवराज। मुंबई से मेघा थदानी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।